स्टार्ट किए थे कैटालिसिस पे, कैटालिसिस। अब देखो इस कैटालिसिस वाले पोर्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, जो उसके बारे में कैटालिसिस में पढ़े थे। सबसे पहले कैटलिस्ट कहते किसे हैं, फिर इसके टाइप्स के बारे में बात किए। टाइप्स में आ गया होमोजीनियस कैटालिसिस एंड हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। होमोजीनियस कैटलिस्ट में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट, ये तीनों सेम फेज में होता है, और कोई भी अगर एक डिफर कर गया तो उसे कहा जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ये यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। उसके बाद बात किए थे कि कैटलिस्ट में ही टर्म आता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, निगेटिव कैटलिस्ट, प्रोमोटर एंड पॉइजन। यानी वो कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसे हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है निगेटिव कैटलिस्ट। वो केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है उन्हें प्रोमोटर, और जो कैटलिस्ट के एफिशिएंसी को घटाता है उन्हें पॉइजन कहा जाता है। अब इसके बाद में एक थ्योरी है जिसे एडजॉर्प्शन थ्योरी कहा जाता है, उनके बारे में डिस्कस करना है। लिखिए टॉपिक एडजॉर्प्शन थ्योरी, एडजॉर्प्शन थ्योरी, थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, कैटालिसिस। या होमोजीनियस नहीं, सिर्फ कैटालिसिस लिखो, होमोजीनियस तो इसको लिमिट कर देगा। एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, थ्योरी ऑफ कैटालिसिस, हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं, कैटालिसिस, एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस लिखवाते हैं। उसके बाद में लिखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, दिस थ्योरी ए कैटलिस्ट हैज, ए कैटलिस्ट हैज एक्टिव सरफेस एरिया, ए कैटलिस्ट हैज एक्टिव सरफेस एरिया, हैज एक्टिव सरफेस एरिया, सरफेस एरिया विच प्रोवाइड, विच प्रोवाइड अ कंडीशन, विच प्रोवाइड अ कंडीशन फॉर डिपोजिशन, फॉर डिपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉर डिपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन इट्स सरफेस, ऑन इट्स सरफेस। आफ्टर एडजॉर्प्शन, आफ्टर एडजॉर्प्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, आफ्टर एडजॉर्प्शन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर, कम क्लोजर टू ईच अदर, कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म, एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल बॉन्ड, एंड फॉर्म अ न्यू केमिकल बॉन्ड, फॉर्म अ न्यू केमिकल बॉन्ड। Since the bond making process, since the bond making process, bond making process is, bond making process is exothermic in nature, is exothermic in nature, exothermic in nature, therefore, therefore it results, therefore it results the desorption, it results the desorption, the desorption and the chemical substance, and the chemical substance comes out, and the chemical substance comes out in the product, in the form of product, in the form of product, in the form of product. Diagrammatically, diagrammatically it can be, diagrammatically it can be
रिप्रेजेंटेड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, एज फॉलोज। देखोगे यहां ये डायग्राम बनाते हैं, यहां कह रहा है कि जैसे अगर मान ले कि ए और ये बी, ध्यान से समझना, ये रिएक्टेंट है, ए और बी ये रिएक्टेंट हो गया, और यहां पर ये कैटलिस्ट है, और इस कैटलिस्ट के सरफेस पर फ्री वैलेंसी होते ताकि कोई दूसरा सब्सटेंस इनके साथ में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके, ये फ्री वैलेंसी है इनके पास में। अब कहता है कि सबसे पहले ए और बी जैसे ही इस कैटलिस्ट के कांटेक्ट में आएंगे, वो रिएक्टेंट था और ये क्या है, कैटलिस्ट, इनके कांटेक्ट में आएगा, यहां इनके सरफेस पर एडजॉर्प्शन होगा, एडजॉर्प्शन। देखो ये कैटलिस्ट है, यहां पर पहले रिएक्टेंट ए और बी रैंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन अब इनको जगह मिल गया है तो इनके सरफेस पर ही एडजॉर्ब होगा। मान लीजिए यहां पर ए आ गया और जगह पर क्या आ गया, बी, इनके सरफेस पर आ गया। अब जैसे ही एक ही कैटलिस्ट के सरफेस पर ए भी अवेलेबल है और बी भी अवेलेबल है, तब इनके बीच में इंटरेक्शन का चांस बढ़ गया। तब इनके बीच में जैसे ही इंटरेक्शन होगा, तब अगले स्टेप में ये रिएक्शन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे, ध्यान से देखें, यहां ए है और जगह पर क्या है, बी, यहां ये बॉन्ड बन रहा है, और ऐसा ही कुछ पढ़े थे हम लोग मैकेनिज्म में हेलोल्केन हेलोरिन में, एक बॉन्ड बन रहा है और दूसरा बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है। तो यहां जो पहले ए और बी के बीच का जो बना हुआ बॉन्ड था, अब ये डॉट 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 कहने का मतलब अब ये क्या हो रहा है, ब्रेक कर रहा है, और अब इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, और फिर जैसे ही डिजॉर्प्शन होगा, डिजॉर्प्शन, ये कैटलिस्ट वहीं रह जाएगा, फिर दूसरे रिएक्टेंट को कैटलाइज करने के लिए, और यहां से अब जो पहले ए और बी था, अब ये वापस किस रूप में चलाएगा, ए बी, यानी ये किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में। बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं, जैसे आप में से कई लोग जो है यहां बैठे हुए हैं, एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सा बात है आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। आप इमेजिन करो कि अगर आप दोस्त नहीं थे तो पहले तो रोड पर आप देखते होंगे, या बहुत सारे लोग भी बोलते हैं, क्या सब लोगों से बातचीत होती है क्या, लेकिन जैसे ही इस जगह पर ये क्लासरूम जो है वो आपको एडजॉर्ब होने का एक ऑप्शन प्रोवाइड किया, और जब आप यहीं डेली आ रहे हैं, किसी जगह पर बैठ रहे हैं, एक साथ में बैठ रहे हैं, थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत बढ़ी, मे भी हो सकता है कि आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो हो सकता है कि दोनों एक दूसरे के रूम पार्टनर हों, दोनों ये डिसाइड कर लें कि हाँ हम लोग को उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, और फिर वो फ्रेंडशिप जो है वो ताउम्र रह सकती है, ताउम्र कहने का मतलब पूरे उम्र तक भी, ठीक है, माने पूरे लाइफ तक जो है वो होता भी है। जैसे आप देखते हो कि आपके पेरेंट्स के, आपके पापा के दोस्त आते हैं आपके घर में, ठीक है, क्या तो कि हम लोग जब एक जगह पे ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहां पर थे, या हम लोग जो कॉलेज में एक साथ में पढ़ते थे, हम लोग एक साथ में जो यहाँ पर हैं, तो ये आपको क्या किया, एड जॉब कराने का दिया, बहुत सारे चले गए, आप एक डेढ़ महीने के बाद में आप मेरे सरफेस को छोड़ करके चले जाओगे, हम फिर बचे हुए रहेंगे, हेलो, क्लास चल रहा है, वो नेट का इशू है इसलिए वो लाइव नहीं हो पा रहा है, तो बाकी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्ड करने के बाद में फिर हम डाल देंगे ऐप में, ठीक। तो बताया कि फिर ये कैटलिस्ट बचा हुआ रह जाएगा, फिर कोई दूसरे रिएक्टेंट आएंगे, इनके सरफेस पर जुड़ेंगे, अगले साल कोई और ट्वेल्थ वाला होगा, वो फिर यहां पर आएगा, उनको फिर उसी तरीके से समझाएंगे जैसे पिछले साल भी इस वक्त में ये समझाए होंगे कि हाँ ये सरफेस केमिस्ट्री पर आप एडजॉर्ब हो रहे हैं, अगले साल कोई और एडजॉर्ब होगा, और यही होना चाहिए, हम ये नहीं चाहेंगे कि फिर आप जो आकर के एडजॉर्ब हो जाइए,
ठीक है, आप जो यहां से निकलिए और फिर कहीं दूसरी जगह पर, आप यहां से मेरा काम खत्म, आप कहीं और दूसरी जगह पर रिएक्शन कीजिए। कोशिश भी हम यही करते हैं। कई स्टूडेंट जो 12th पास करने के बाद में जाता है और फिर कहता है कि सर हमको जो थोड़ा आपके यहाँ कंटिन्यू करना है। बोले क्यों, तो ये कंपटीशन है। बोले कि हम तो 11th 12th को पढ़ाते हैं। नहीं सर, वहाँ पढ़ रहे थे वो बेसिक पार्ट पे बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा था, वो अब मन कर रहा है। हम बोलते हैं कि अब तुम्हारे लिए बेकार हो जाएगा, पैसा भी लगेगा और पैसा से कई गुना ज़्यादा कीमती समय लगेगा, क्योंकि तुम बैठ करके फिर अब पढ़ना शुरू करोगे तो तुमको मोनोटोनस लगने लगेगा। यानी लगेगा कि हाँ यही बात तो बोलते थे पहले भी और वही सारा चीज़ वो लिखवा रहे हैं। तो 1-1.5 महीने के बाद में समय भी निकल जाएगा तुम्हारा, तो तुम कहीं दूसरे जगह पर ज्वाइन करो। बाकी तो तुम मेरे यहाँ पढ़े हो, हमारे पास में जैसे जो फैसिलिटी अवेलेबल होगा वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जो नोट्स वगैरह चाहिए तो किसी स्टूडेंट्स को बोलेंगे कि हाँ वो दे दो, अगर नहीं लिखे हो तो। ठीक है, तो वो सब करते हैं। इसको ड्रॉ कर लीजिए, आप अभी लाइव हुआ है। थोड़ा सा इन लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नेट का प्रॉब्लम था इसीलिए जो है वो आपको कनेक्ट होने में टाइम लगा। तो बाकी रिकॉर्ड कर रहे थे, ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस। आप बुक में देखोगे तो इसी को एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहा गया। इसके पहले का बाकी पिछले क्लासेस में पढ़ चुके थे हम लोग कैटलिस्ट वगैरह के बारे में। यहाँ पर ये बताता है एडजॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कि कैटलिस्ट के पास में, ये कैटलिस्ट का डायग्राम दिया गया, इट हैज फ्री वैलेंसी। ये जो यहाँ लाइन देख रहे हो ये इनके बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्री बॉन्ड है, और ये ए और बी रिएक्टेंट है। कहता है जैसे ही रिएक्टेंट कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट में आता है, ये कैटलिस्ट अपने सरफेस पर इन्हें एडजॉर्ब कर लेता है। यहाँ एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्प्शन यानी कि डिपोजिशन ऑफ एडजॉर्बेट। जब ये एडजॉर्ब हो गया इनके सरफेस पर, तो अब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज में आ गए। पहले रैंडमली मूव कर रहा था, ए अलग मूव कर रहा था, बी अलग मूव कर रहा था, अब इनके बीच में एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ये डॉट 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 यहाँ बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि बॉन्ड मेकिंग प्रोसेस एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, तो यहाँ जो हीट रिलीज होगा वो पहले से बने हुए बॉन्ड को तोड़ेगा। अब जैसे ही ये बॉन्ड टूटा, तो अब ये ए बी प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकल गया और कैटलिस्ट फिर बचा हुआ रह गया ताकि दूसरे रिएक्शन को कैटलाइज कर सके। तो थ्योरी वाला पार्ट तो आपका पीडीएफ में दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट लिखवाए हैं वो, तो ये डायग्राम आप लोग भी बना लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, ऑफ ए कैटलिस्ट, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, ऑफ ए कैटलिस्ट। ठीक है, सुनोगे। एक्टिविटी कहा जाता है कि कोई कैटलिस्ट किसी केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। द टेंडेंसी ऑफ ए कैटलिस्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। लेकिन एक कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ही कैटलाइज नहीं करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को ही नहीं बढ़ाता है, बट इट ऑल्सो अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। जबकि ये भी डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनना है, वो भी ये डिसाइड करता है। जैसे अगर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को ले लें, CO प्लस H2, अगर निकल का रिएक्शन निकल के प्रेजेंस में कराते हैं तो ये फॉर्मेशन करता है CH4 और H2O, बैलेंस करेंगे आगे। लेकिन वहीं अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ में कैटलिस्ट ले लिए कॉपर, तो ये फॉर्मेशन कर लेता है फॉर्मल्डिहाइड का, HCHO का। ऊपर वाले को बैलेंस करके देखते हैं, हाइड्रोजन 4N2 कितना है, 6, यहां क्या कर देंगे, 3, बैलेंस हो गया। अब दोनों में देखो रिएक्टेंट, यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, यहां भी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पे प्रोडक्ट दोनों में क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। एक में हाइड्रोकार्बन बन रहा है, दूसरे में क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को ही अफेक्ट नहीं करता है, ये प्रोडक्ट भी बदल देता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मीथेन बन गया, निकेल था इस वजह से, और निकेल की जगह पर कैटलिस्ट कॉपर यूज कर लिए, तो ये फॉर्मल्डिहाइड में हुआ। एक टीचर सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ने में हेल्प ही नहीं करता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे तो आपको बर्बाद भी कर दे सकता है। ठीक है,
चाहे तो वो आपको फोर्स डाल करके आपका भी इंपैक्ट है, जैसे ये रिएक्टेंट अगर उनके सरफेस पर एडजॉर्ब भी नहीं हुआ कैटलिस्ट के सरफेस पर, तब वो कहाँ से करेगा? नहीं तो इम्पैक्ट तो बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि जबरदस्ती आपको उतना बात सुनना पड़ता है टीचर के, जितना आप पेरेंट्स का बात नहीं सुनते उतना ज्यादा टीचर का बात सुनते हैं। जैसे आप यहाँ क्लास करने के लिए आते हैं, 1 सवा घंटा तो जो मर्जी हम अपनी मर्जी के अनुसार से आपको बोलते हैं, चाहे ना चाहे भी आपको सुनना पड़ता है। उसी में से कुछ वैसी बातें भी हो सकती हैं जो बिल्कुल आपके दिमाग में बैठता होगा कि नहीं ऐसा करना चाहिए हमें, तो इम्पैक्ट पड़ता है टीचर का। और एक टीचर मोटिवेटर के रूप में काम करता है, अब वो मोटिवेट करके पॉजिटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकता है और मोटिवेट करके निगेटिव डायरेक्शन में भी ले जा सकता है। जैसे अगर मान लिए कि हम आप में से कहें किसी को कि देखो जी हम वहाँ पे नीचे जो गुमटी वाला सब है, वो ठेला जो लगाए हुए है, कल मेरे साथ में बहुत बदतमीजी किया है, वो सब 4 गो था, हम कुछ बोले नहीं, अब हम बस यही चाहते हैं कि तुम लोग जो है वो सोच लो, ठीक है, कि तुम एक टीचर का जो है वो इंसल्ट बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, तुमको क्या लगता है? ठीक है, वो ठेला नहीं रहेगा। अब देखो ये टीचर का काम नहीं था, टीचर का काम ये था कि तुम अगर कहीं झगड़ा भी कर रहे हो तो तुमको डांट करके वहां उस झगड़े को क्या करेगा, समाप्त कराना, ना कि आपका ये स्टूडेंट आपका जो सोल्जर है आपका सिपाही है कि आपको जहां कहीं भी लड़ाई होगा तो आप लेकर के चल जाइएगा, ठीक है? तो देख रहे हो, तो दोनों अलग अलग काम हुआ। अगर हम आपके झगड़े को रोक रहे हैं, आपको डांट रहे हैं, तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा काम है, क्योंकि ये गलत है। लेकिन अगर हम अपने पर्सनल मैटर में तुमको इन्वॉल्व कर रहे हैं, और स्टूडेंट तो तैयार हो जाएगा, ठीक है, वो तो तुरंत तैयार हो जाएगा, 10 गो को लगेगा कि नहीं ये गलत काम है, और 10-20 गो को तो वो तुरंत तैयार हो जाएगा कि नहीं सर को ऐसे बोल दिया है, कौन बोल दिया है, बोला वो कोई और ठेला वाला बेचारा दूसरा ठेला वाला, ठीक है? क्योंकि आप जिस एज से, हाँ अगर मान लें कि हम लोग के एज से अगर बिलोंग करें, हमारे सर अगर बोलेंगे कि हाँ हमारे साथ में ऐसा हुआ है, पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे हाँ सर के साथ में ऐसा सही में हुआ है कि नहीं हुआ है, दो चार लोग जा करके पहले पता करेंगे। लेकिन आपका मैच्योरिटी उतना नहीं है, आप पहले एक्शन कीजिएगा, बाद में वहां पर जो पता चलेगा कि हाँ ये बात सही भी था कि नहीं था, तो वो काम करता है। तो एक हो गया एक्टिविटी और दूसरा क्या हो गया सेलेक्टिविटी। लिखिए, लिखवाते हैं इसके बारे में। लिखिए ए कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ए कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ब्रैकेट में लिखोगे जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जनरली इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, इट इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट, एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट। पैराग्राफ चेंज, ए कैटलिस्ट ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ऑल्सो डिसाइड द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट formed during reaction, nature of the product formed during reaction, formed during reaction, during reaction, it is called selectivity of the catalyst, selectivity of the catalyst. For example, if nickel act as a catalyst, it results the formation of hydrocarbon from carbon monoxide and hydrogen, from carbon monoxide and hydrogen, and hydrogen, while copper
रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ, व्हाइल कॉपर रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, व्हाइल कॉपर रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अब आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। नेक्स्ट लिखिए टॉपिक, सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेलेक्टिव कैटालिसिस। सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस लिखिए इसके बारे में। द कैटालिटिक रिएक्शन, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स, द कैटालिटिक रिएक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर, दैट डिपेंड्स अपॉन द पोर स्ट्रक्चर, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट, पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, इज कॉल्ड सेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, सेलेक्टिव कैटालिसिस। पैराग्राफ चेंज। जियोलाइट, जेड ई ओ एल आई टी ई, जियोलाइट, जेड ई ओ एल आई टी, जियोलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जियोलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, is an example of SEP selective catalyst, SEP selective catalyst, catalyst which has honeycomb like structure, which has honeycomb, honeycomb like structure, comb, 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 honeycomb like structure, which can catalyze, which can catalyze only those reactant, only those reactant which can fit into, which can fit into its active, which can fit into its active area, its active area। ये क्या बता रहा है, जो ध्यान से देखो, जैसे यहां कह रहा है कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जियोलाइट का, मधुमक्खी का छत्ता देखे होंगे, उसी तरह से ये जियोलाइट का भी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे करके और आगे बढ़ेगा। मान लीजिए इसमें दो रिएक्ट ऐसे रिएक्टेंट है, एक है ए, ये सपोज बी है, ये बी है, ये सी है,
और ये डी है, ये सब रिएक्टेंट। अब आप बताओ इसमें से ए बी सी डी में से कौन सा रिएक्टेंट कैटलाइज होगा? ये कैटलिस्ट हो गया, ये कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, और ये सब के सब क्या हो गए? रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गए। अब इनमें से किनका कैटालिसिस हो पाएगा? कैसे डिसाइड किया आपने? डिसाइड किया कि इनका शेप और साइज इनमें फिट बैठ सकता है। इनका शेप तो सेम है लेकिन साइज क्या है? बड़ा है। तो वो कहा जा रहा है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के और कैटलिस्ट के पोर स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, वैसे कैटालिसिस को शेप सिलेक्टिव कैटालिसिस कहा जाएगा। ये कैटलिस्ट है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन ना तो ए कैटलाइज होगा, ना तो बी होगा, ना ही डी होगा। सिर्फ कैटलाइज कौन हो सकता है? सी हो सकता है। ये सी इनके एक्टिव सरफेस एरिया पर यहां फिट बैठेगा और इनका कैटालिसिस होगा। जैसे हम ही पढ़ा रहे हैं, सबको पढ़ा रहे हैं, सबके लिए बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आप बताओ तो सबका रिजल्ट बराबर आएगा क्या? उन्हीं का बराबर आ सकता है जो सामने वाले टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, जो बता रहे हैं कि हाँ यहाँ ये करना होगा, वो करना होगा, उसके अनुसार से आप कर रहे हैं, यानी कि उनके एक्टिव सरफेस एरिया पर फिट बैठ रहे हैं। अब इन्हें कहा गया कि आपको हेक्सागोनल होना चाहिए, हम स्क्वायर रहें, रहिए किनारे, ठीक है, आप इसके एक्टिव साइड पर फिट ही नहीं बैठिएगा। हम बोले कि इसको लिख लेना, ठीक है, हम ना लिखें, मत लिखिए, ठीक है, आप अगले साल फिर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलाइज वही हो सकते हैं जो उसके सरफेस पर फिट बैठेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप दो ही तीन बनाओ, आप एक आध छोड़ दो। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, एंजाइम्स। एंजाइम्स लिखवाए, एंजाइम्स के बारे में लिखिए, फिर डायग्राम वगैरह आएगा तो वहां एक्सप्लेन करेंगे। लिखो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच कैन कैटलाइज a number of biochemical reaction, which can catalyze a number of biochemical reaction inside the body of living organism। यानी कि जिस तरह से बाहर हम लोग बीकर में, फ्लास्क में केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर में भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, और उस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए हमारा एंजाइम काम करता है, ठीक है। जैसे आप खाना खाए, अब खाना खाने के बाद में वो खाना पचेगा, आपके बॉडी को एनर्जी देगा, यहाँ एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है। अब इन्हें प्रॉपर तरीके से कराने के लिए आपके बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम हैं जो अलग अलग बॉडी प्रोडक्ट से डेवलप करता है, वहां से प्रोड्यूस होता है। आप चबाते हैं, यहीं पर मुंह से ही स्लाइवा मिक्स करता है। आप में से जो बायो के स्टूडेंट होंगे आपको पता होगा, टाइलिन एंजाइम्स पाया जाता है यहाँ पर। बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जिनके एब्सेंस में आपका फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब अनपच हो गया है, पच ही नहीं रहा है। आप डॉक्टर के पास में जाते हैं, वो मेडिसिन देते हैं, वो मेडिसिन काम क्या करता है? वो प्रोमोटर के रूप में काम करता है, यानी आपके बॉडी के अंदर का जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो काम नहीं कर रहा है तब उसको थोड़ा एक्टिवेट करने वाला चाहिए, तो डॉक्टर जो मेडिसिन दिए उसमें आयन प्रेजेंट होता है, Na+, Mn2+, ये सभी इसी तरीके से जो उनको प्रोमोट करने का काम करे, एक्टिवेट करने का काम करे। तो जैसे ही एंजाइम्स के पास में आएगा वो एंजाइम पार्टिकुलर वर्क करेगा। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, उसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सुन लो फिर लिखवा देते हैं। Enzymes are highly specific in nature. Highly specific in nature कहने का मतलब एक पार्टिकुलर एंजाइम सिर्फ वही काम करेगा, उसको बाकी दूसरे से कुछ मतलब नहीं, ठीक है। आपका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लंग्स में कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है, लंग्स के लिए क्या चाहिए होगा, उससे उसको मतलब नहीं है।
एक पार्टिकुलर डाइजेस्टिव एंजाइम अगर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है तो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को ही ब्रेक करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। ये इसके स्पेसिफिक बिहेवियर को शो करता है। हम आपके फिजिक्स में कितना चैप्टर बाकी है उसमें हेल्प नहीं करेंगे, मैथ्स में कौन कौन सा पोर्शन बाकी है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैथ्स में कौन सा में कहाँ ज़्यादा मार्क्स आएगा उसके बारे में बात नहीं किए हैं। कभी किए हैं क्या? कहाँ फिजिक्स पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, वहीं क्यों पढ़ते हो, वहाँ नहीं जाओ, यहाँ जाओ, ऐसा नहीं बोले। तो ये मेरे अस्पेसिफिक नेचर के बारे में बात करता है कि आप सिर्फ अपने आप से काम से मतलब रखते हैं, आपको केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करना है, तो ये हमारे स्पेसिफिक नेचर को शो करता है। अगर हम केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते फिजिक्स भी पढ़ाने लगे और बोले कि जाकर ये फिजिक्स वाला से क्वेश्चन पूछ लेना, ये मैथ्स वाला से पूछ लेना, ये बायो वाला से पूछ लेना, जैसा कि कई जगह पर आप फिल भी करते होंगे, होता भी है, ठीक है, उससे पूछ के देखना तो आता है कि नहीं आता है, तो उसके वो नॉन स्पेसिफिक बिहेवियर को शो करता है। तो एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा दूसरे के कारण। अगर कोई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स है तो वो सिर्फ प्रोटीन को ही डाइजेस्ट करेगा, बाकी दूसरा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है आप अपना मतलब रखिए। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा, एंजाइम्स ऑप्टिमम टेम्परेचर पे वर्क करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर पर, बॉडी पीएच वैल्यू पर वर्क करता है। आपको खाना खाने के बाद में खाना पचाने के लिए आपको गर्म करने का जरूरत नहीं होता, पेट को गर्म करते हैं क्या? नहीं, वो बॉडी टेम्परेचर नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है, ठीक है। खाने के बाद सब जो है वो किचन में लाइन लगाया होता था क्या, तो कि पहले हमको सेकने दो, पहले हमको सेकने दो, ठीक है। तो कैटलिस्ट जो है वो आपके बॉडी टेम्परेचर पे काम करता है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, इसके इसके लिए आपको हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, हाईली एक्टिविटी होता है इसका, हाईली इफिशियंट होता है। कहा जाता है कि कुछ एक कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को 10^30 तक बढ़ा देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अगर वो कैटलिस्ट नहीं रहेगा तो लाइफ टाइम में आपका रिएक्शन पूरा ही नहीं होगा, 10^30। तो आप सोचो कि अगर एक मिनट में वो रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है तो अगर वो एबसेंट हो जाए तो उसे कंप्लीट होने में 10^30 लग जाएगा, और जोड़ घटाव करके देखोगे तो उतना दिन आप जिंदा नहीं रहोगे, ठीक है। 10^30 बहुत बड़ा वैल्यू है। कई एंजाइम्स वैसे हैं जो पर मिनट मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज करते हैं, मिलियंस ऑफ रिएक्टेंट को कैटलाइज करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन में। तो ये इनके इफिशियंट नेचर को शो करता है, यानी कि ये हाईली इफिशियंट नेचर का होता है। एक्टिविटी के बारे में बात किए, सिलेक्टिविटी के बारे में बात किए कि ये पार्टिकुलर वर्क को ही परफॉर्म करेगा, ये बॉडी टेम्परेचर पर ही वर्क करता है। ये सब था कुछ एंजाइम्स के बारे में। लिखिए इनका टॉपिक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। देखो दो तीन पॉइंट लिखवा देते हैं। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट, एंजाइम्स आर हाईली इफिशियंट, हाईली इफिशियंट, हाईली इफिशियंट। सम एंजाइम कैन कैटलाइज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन अप टू 10^30 अप टू 10^30 and some enzymes can catalyze millions of molecules per minute. Next point, enzymes are highly specific in nature. Enzymes are highly specific in nature. Specific in nature. It means a particular enzyme can catalyze
कैन कैटेलाइज ओनली, कैन कैटेलाइज ओनली ए पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन, ओनली ए पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, एंजाइम्स वर्क एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू। इट मीन्स दे वर्क इजिली, इट मीन्स दे वर्क इजिली एट नॉर्मल बॉडी कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, द एंजाइम एक्टिविटी is increased in the presence of certain substance known as coenzymes or activators, coenzymes or activator. Activators are generally metal ion such as Na plus, Mn2+, Mn2+, etc. Next point, like ordinary catalyst, enzymes are also inhibited. Enzymes are also inhibited or poisoned by the presence of certain substances. अब लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। सुन लो इसके बारे में फिर लिखवा देते हैं। जैसे इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए दो मॉडल दिया गया है, एक है मॉडल लॉक एंड की मॉडल, ताला चाबी मॉडल, और दूसरा है हैंड एंड ग्लव्स मॉडल। देखिए दोनों क्या बताता है, जो लॉक एंड की मॉडल बताता है इसके एंजाइम्स के रिजिड नेचर को, यह बताता है कि जिस तरह से हर एक ताले को खोलने के लिए उसका एक पार्टिकुलर चाबी होता है, उसी तरह से हर एक रिएक्टेंट को कैटेलाइज करने के लिए एक पार्टिकुलर एंजाइम्स यानी कैटलिस्ट होता है। यानी कि अलग अलग ताले का अलग चाबी, तो उसी तरह से अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग कैटलिस्ट। हैंड एंड ग्लव्स मॉडल बताता है कि जिस तरीके से आप ग्लव्स में देखते हैं कि आप अपने हाथ में डाल लिए तो आपके हाथ में भी फिट हो गया, खास करके जो रबड़ ग्लव्स होता है वो, और अगर मान लें कि कोई दूसरा व्यक्ति उस ग्लव्स को अपने हाथ में पहन लिया तो उसके हाथ में भी फिट हो गया। तो ये बताता है कि एंजाइम्स भी अपने आप को अप टू सम एक्सटेंट
कुछ एक तरीके से एडजस्ट करने की कोशिश करती है, यानी रिएक्टेंट के अनुसार से। लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है लॉक एंड की मॉडल को। यह बताता है कि जब इंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो फॉर्मेशन करता है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का, जिसे ESA कहा जाता है। जैसे अभी हम लोग देखे कि कैटलिस्ट के सर्फेस पर वो जुड़ा, अब वो इंजाइम सबस्ट्रेट दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया तो पहले बना इंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन, और फिर ब्रेक करके वो कन्वर्ट कर जाता है इंजाइम और प्रोडक्ट में। लिखिए, द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम कैटालिसिस, द मैकेनिज्म ऑफ इंजाइम कैटालिसिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की मॉडल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉक एंड की मॉडल। इट स्टेट्स दैट a particular enzyme can catalyze only a specific biochemical reaction like a specific key is available for a particular log. Paragraph change. The mechanism of the enzyme catalysis completed in following two steps. लिखे इसमें स्टेप फर्स्ट लिखे, in this step enzyme combined with substrate to form enzyme substrate intermediate, यानी कि जो रिएक्शन में बीच में बनता है थोड़ी देर के लिए, नोट कर लीजिए इसको, यह स्टेप फर्स्ट है। इसके बाद लिखो स्टेप टू लिखे in this step enzyme substrate complex converted into enzyme product association
एंड देन फाइनली it results the formation of product. नोट कर लीजिए. हो गया. नोट में लिखिए. डायग्रामेटिकली the mechanism can be explained as follows. देखो यहां पर ये एंजाइम है और ये क्या है, सब्सट्रेट. देखो तो इसके एक्टिव सरफेस एरिया पर ये फिट बैठेगा, उसी के अनुसार से अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये इनके सरफेस पर जुड़ गया. यहां एस है और ये ई है, इन्हें कहा जाएगा एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी कि ईएस. अब अगले स्टेप में अब ये धीरे धीरे इनके सरफेस पर ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने लगेगा. ये P1 और ये क्या हो गया P2. इन्हें कहा जाता है एंजाइम प्रोडक्ट एसोसिएशन. और जैसे ही ये प्रोडक्ट में फाइनली कन्वर्ट कर गया, अब इस एंजाइम के सरफेस एरिया को छोड़कर बाहर निकलेगा. ये पार्ट हो गया P1 और ये क्या हो गया P2. यहां एंजाइम फिर रह गया किसी दूसरे रिएक्टेंट को कैटेलाइज करने के लिए. नोट कर लीजिए. क्या पिज्जा दिख रहा है? लिखो नेक्स्ट टॉपिक इमल्शंस. इमल्शंस चलो फिर लिखवा देते हैं. इमल्शंस के बारे में जैसे कोलाइड्स के हम लोग टाइप पढ़े थे तो टोटल 8 टाइप आया था ऑन अकाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट. ठीक है, उसी में से एक टाइप इमल्शन भी था. यानी कि अगर डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड फॉर्म में, तब उसे हम लोग इमल्शन कहते हैं. यानी कि दोनों का दोनों लिक्विड स्टेट में तो इमल्शन कहेंगे. इमल्शन का दो टाइप है. एक को कहा जाता है ऑयल इन वाटर टाइप, जिसे O/W कहते हैं. ऑयल इन वाटर यानी O/W. और दूसरा हो गया वाटर इन ऑयल. अब वर्ड को समझो, डेफिनेशन निकल जाएगा. ऑयल इन वाटर यानी ऑयल डाला हुआ है किस में, वाटर में. वाटर एक्सेस अमाउंट में हो गया. तो इफ डिस्पर्ज फेज इज ऑयल एंड डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, देन इट इज कॉल्ड ऑयल इन वाटर. और अगर डिस्पर्ज फेज वाटर है और डिस्पर्सन मीडियम ऑयल है तो इन्हें कहा जाएगा वाटर इन ऑयल टाइप. जैसे ऑयल इन वाटर टाइप के एग्जाम्पल में आप मिल्क को ले सकते हैं और बटर, ये वाटर इन ऑयल टाइप के एग्जाम्पल में बटर आ जाएगा. आपको एक इमल्शन दिया हुआ और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑयल इन वाटर टाइप है या वाटर इन ऑयल टाइप है. तो इसे टेस्ट करने का दो मेथड, एक को डाइल्यूशन टेस्ट कहते हैं और दूसरे को डाई टेस्ट कहते हैं. डाइल्यूशन टेस्ट पहले करते हैं. ए और भी दिया हुआ है, ठीक है. दोनों को हम पानी में डाल देंगे. ए को भी पानी में डाल दिया और बी को भी पानी में डाल दिया. जो वाटर में जाने के बाद में मिसेबल हो गया, डिजोल्व हो गया, मिक्स हो गया, इसका मतलब ऑलरेडी पहले से उसमें वाटर था डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में. इसका मतलब वो किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑयल इन वाटर टाइप. जैसे दूध को पानी में डालते हो तो मिक्स होता है कि नहीं होता है. इसका मतलब ये होगा कि फैट के रिस्पेक्ट में दूध में वाटर ज्यादा अमाउंट में, तो वाटर डिस्पर्सन मीडियम हो गया. और जिसको डालते हैं उसको क्या कहता है, डिस्पर्ज फेज. याद आ रहा है कोलाइड्स में पढ़े थे हम लोग, तो डिस्पर्सन मीडियम. लेकिन वही अगर आप बटर को, बोरोलिन को, क्रीम को पानी में आप डालेंगे तो वो डिजोल्व होता है, क्योंकि वहां पर वाटर थोड़े से अमाउंट में है. ज्यादातर अमाउंट में क्या वहां प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, ऑयल प्रेजेंट है. तो वो एग्जाम्पल हो गया वाटर इन ऑयल टाइप का, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है.
जहां डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा, और जहां डिस्पर्सन मीडियम ऑयल होगा वो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ये था डाइल्यूशन टेस्ट। दूसरा डाई टेस्ट। डाई जैसे अच्छा इसके बारे में बताओ तो आप, ब्लड के बारे में वो किसके एग्जाम्पल में आएगा, ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल? कभी हाथ वगैरह कटता होगा तो बेसिन वगैरह के पास में आप गए होंगे हाथ धोने के लिए, तो क्या लगता है पूरा पानी रंगीन हो जाता है, पूरा मिक्स हो जाता है उसके साथ में। इसका मतलब वो भी किसका एग्जाम्पल हो गया, ऑयल इन वाटर टाइप का। जब आप ड्राई हो गया सूख गया तो अलग प्रॉपर्टीज हो गया, कोएगुलेट कर गया, वहां नहीं नॉर्मल होता है उस कंडीशन में, तो आप देखेंगे कि वो वाटर के साथ में मिक्स हो जाता है। कहीं पर एक ड्रॉप खून गिराएंगे आप तो पानी वो फैल जाएगा, ठीक है, मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप है। दूसरा है डाई टेस्ट। डाई यानी कि रंग दो तरह का आता है, एक वाटर सॉल्युबल और दूसरा ऑयल सॉल्युबल। हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं, जनरली जो हम लोग होली वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, पानी में डालते हैं वो डिजोल्व हो जाता है। इंक को ही ले लो, वो भी डिजोल्व हो जाता है। तो आप बताओ तो अगर इंक डाल दिया आप दूध में तो पूरा फैल जाता है कि नहीं फैल जाता है? यानी कि डाई को अगर डालेंगे उसी तरह से, जो भी वाटर सॉल्युबल डाई है आपका, रेड कलर का है रंग है, ग्रीन कलर का है, उसको आप डालोगे दूध में तो पूरा दूध रंगीन हो जाएगा। इसका मतलब वो ऑयल इन वाटर टाइप था, वाटर था डिस्पर्सन मीडियम, लेकिन बटर में डालेंगे, मिल्क में डालेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा। कभी कहीं देखे होंगे आपकी उंगली वगैरह कट जाता है तो उस पर बोरोलिन डालते हैं, तो बोरोलिन डालेंगे तो अगर ब्लड निकल रहा है तो ब्लड तुमको ड्रॉपलेट्स के जैसा दिखाई देगा, वो पूरा मिक्स नहीं होगा। कभी फील किया कि नहीं किए हैं, कहीं अगर कटा हुआ है कहीं पे ब्लड आ रहा है तो उसमें तुम बोरोलिन डालोगे तो बोरोलिन अलग फैला हुआ दिखाई देगा, छोटे छोटे कलर्ड के पर। रीजन ये है कि ब्लड में वाटर है और जो बोरोलिन आप यूज करें उसमें क्या है, ऑयल है, तो दोनों का नेचर अलग अलग है। तो उसी तरह से अगर वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सर में आप डाई डालेंगे, कलर डालेंगे, तो आपको कलर ड्रॉपलेट्स मिलेगा, यानी कि जहां जहां पे वाटर है वो पार्ट कलर्ड हो जाएगा और अधिकांश पार्ट जो है वो कलरलेस रहेगा। आया समझ में? लिखे लिखवाते हैं, टॉपिक लिखे इमल्सर, लिखे इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स, टाइप ऑफ कोलाइड्स इन विच, इट इज द टाइप ऑफ कोलाइड्स इन विच, इन विच बोथ डिस्पर्ज्ड फेज, इन विच बोथ डिस्पर्ज्ड फेज, डिस्पर्ज्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, एंड डिस्पर्सन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट, डिस्पर्सन मीडियम आर इन लिक्विड स्टेट, आर इन लिक्विड स्टेट। बटर में कन्फ्यूज मत कर जाना कि सर ये तो जो सॉलिड रहता है, सॉलिड नहीं रहता है वो, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में वो मेल्ट कर जाएगा, फ्रिज में रखते हैं तभी तक वो सॉलिड रहता है, ठीक है, छोड़ दो उसको 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, नॉर्मल टेम्परेचर 25 हो जाता है तब ये भी मेल्ट कर जाएगा, बोथ आर इन लिक्विड स्टेट। अब लिखो टाइप्स ऑफ इमल्सन, ये डिफिनेशन हो गया इमल्सन का। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इमल्सन, टाइप्स ऑफ इमल्सन, इसमें फर्स्ट लिखो ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, ओ बाई डब्ल्यू, ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप लिखिए। इट इज द टाइप ऑफ इमल्सन, इट इज द टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन इन विच ऑयल इज डिस्पर्ज्ड फेज, इन विच ऑयल इज डिस्पर्ज्ड फेज एंड वाटर, एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम, एंड वाटर इज डिस्पर्सन मीडियम। And water is dispersion medium. Example लिख लीजिए, milk. Milk, blood बहुत सारा होगा। Second लिखो water in oil type, W by O. Water in oil type. Water in oil type.
क्योंकि इट इज द टाइप ऑफ इमल्सन, इट इज द टाइप ऑफ इमल्सन, टाइप ऑफ इमल्सन इन विच, इट इज द टाइप ऑफ इमल्सन इन विच वाटर, इन विच वाटर एक्ट एज, वाटर एक्ट एज डिस्पर्ज फेज, वाटर एक्ट एज डिस्पर्ज फेज एंड ऑयल एज डिस्पर्सन मीडियम, एंड ऑयल एज डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। इसका एग्जाम्पल लिखिए, बटर लिखो, नेक्स्ट टॉपिक टेस्ट फॉर द टाइप ऑफ इमल्सन, टेस्ट फॉर द टाइप ऑफ इमल्सन, टीईएसटी टेस्ट, टेस्ट फॉर द टाइप ऑफ इमल्सन। इसमें फर्स्ट लिखिए डाइल्यूशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, लिखे इसके बारे में। इफ द गिवन इमल्सन, इफ द गिवन इमल्सन, इमल्सन इज सॉल्युबल इन वाटर, इफ द गिवन इमल्सन इज सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, देन इट वुड बी ऑयल इन वाटर टाइप, देन इट वुड बी ऑयल इन वाटर टाइप, ऑयल इन वाटर टाइप, वाटर टाइप। एंड इफ इट इज इनसॉल्युबल, एंड इफ इट इज इनसॉल्युबल, इट वुड बी वाटर इन ऑयल टाइप, इट वुड बी वाटर इन ऑयल टाइप, ऑयल टाइप। सेकेंड लिखो डाई टेस्ट, डाई टेस्ट, लिखिए इसमें इफ ऑन एडिशन ऑफ वाटर सॉल्युबल डाई, इफ ऑन एडिशन ऑफ वाटर सॉल्युबल डाई, वाटर सॉल्युबल डाई द इमल्सन बिकम कलर्ड then it would be oil in water type, then it would be oil in water type, in water type. And if we get colored droplets, then it would be water in oil types, then it would be water in oil types, water in oil types। ये इतना कुछ। अब बुक में देखोगे तो लास्ट में है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स, आप देखेंगे तो वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स में, जैसे स्टार्टिंग में भी डिस्कस किए वहां पे एडजॉर्प्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी का ये पार्ट ठीक है। तो यहाँ सरफेस केमिस्ट्री में इतना कुछ, अगले क्लास में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी जो ऑनलाइन है सुन लीजिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग लिख करके आओगे ठीक है। यहाँ स्क्रीन पर भी पीडीएफ हम शो करेंगे, इसका क्या मतलब है, जनरली थ्योरेटिकल है, आप लिखोगे तो आइडिया लगेगा ठीक है। छोटा चैप्टर है, एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। उसका पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर्स, ये सब छोटा है, इसको कंप्लीट कर लेंगे तो बाकी बचा रह जाएगा क्या, पी ब्लॉक ठीक है। पी ब्लॉक में थोड़ा टाइम लगेगा, वो भी थ्योरिटिकल है,
लेकिन एक्सप्लेन करने में टाइम लगेगा, लिख के लाना होगा आपको, लिख के एक्सप्लेन हम करेंगे। आज यहीं तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।